11,000 ने। हे भैया आदि आव, अरे चला आव, अरे 11,000 साड़ी खरीद ली है। तो हेलो गाइज, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। और काफी दिन बाद में गाइज बीएड भी थोड़ा सा ट्रिम करा के सेटिंग वगैरह करा लिया हूँ और बाल भी कटवा लिया हूँ। आप लोग देख सकते हो मूछ वगैरह भी अच्छे से सेट करा लिया, बहुत बाल वगैरह बढ़ गया था। अभी भी बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि उसने ना बाल मेरा खड़ा कर दिया है जेल लगा के, और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है वो आप कमेंट करके बता देना। और आज हम लोग कॉमेडी वीडियो वगैरह शूट नहीं किए, प्रमोशन वाला वीडियो आ गया था चक्की वाला, आप लोग देखे ही होंगे। और अभी है मॉल में, वी मार्ट में, और रोली ने अपने लिए ये प्लाजो वगैरह ले लिया है और कुछ ले रही है अपने लिए जैसे दुपट्टा वगैरह। और हम लोग सुबह से निकले थे और सडवाइन के यहाँ गए थे, थोड़ा सा प्रमोशन वाला वीडियो जो था उसको शूट करके कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि कल जो हम लोग ने शूट किया था ना वो पूरा दिन चला गया था। फिर हम लोग वहाँ से गहना कोठी वगैरह निकल गए थे और वहाँ पे लकी ड्रा वगैरह निकला था, हालांकि हमारा कुछ नहीं निकला, एक मिक्सर निकला था। एक भाई ने कमेंट भी किया था भैया रोली का मिक्सर निकला रहा, तो अभी मैं यही धो रहा हूँ प्लाजो वगैरह। और यहाँ पर है रोली, ये देखिए गाइस। हेलो गाइस, तो गाइज ये रोली है और इसका ये आज का ड्रेस गाइज कैसा लग रहा है ये बताना आप लोग। बहुत महंगा ड्रेस है, बहुत महंगा है गाइज, क्या बताऊं। अगर आप लोग को चेक करना है ना तो ये जाके कहाँ पे चेक करना है, ट्रेंड्स में मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। डब्लू का है, 2600 का बस कुर्ती है, खाली कुर्ती गाइज 2600 का ली थी। और पहले तो ले ली थी जब इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो जब ले ली बाद में प्राइस देखे ये हुआ कि भाई अब ले लिए हैं तो ले लेते हैं। और उसमें एक चीज़ और है ना, 500 वाला कूपन लग जाता है, तो 500 लेस हो जाएगा तो 2100-2200 का मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा प्लाजो का कनेक्शन रखा गया है और यहीं से हम लोग ने भी लिया, यहाँ से उठा के थोड़ी ने अपने अपने साइज़ का सब छाँट लिया है। और देखते हैं अभी उस साड़ी के साइड गई है, पता नहीं साड़ी लेगी या और कुछ लेगी। यहाँ पे साड़ी का कलेक्शन भी ठीक ठाक है और बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं वी मार्ट में। और यहाँ पे देखिए इनसे भी मिली है, हाँ। ये हमेशा हम लोग आते हैं तो अच्छी चीजें बताती रहती हैं कि कैसा साड़ी चाहिए, कैसा क्या है। ये साड़ी आई है तो ये लहंगा है ना, प्यारी साड़ी 2200, अरे 2200 में लहंगा वगैरह सब आ गया है गाइज। मैं ना मुझे अच्छा लगता है ना, क्या अच्छा लग रहा है, प्राइस ये बात तो है, जो चीज रोली को अच्छी लगती है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा रहता है ना। और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि वीमार्ट में आए, वीमार्ट प्रमोशन करते भाई हमें 1 रुपया देना आए हैं, खाली ही बताओ था कहाँ शॉपिंग करे आए है कि ना है? नहीं पता चला तू सब सोचा कि वो प्रमोशन करे पहुँच गया ना, सब छोड़ी ना हो, प्लाजो लाजो एकदम गठिया रही हो कि ना है? कहो मैडम फुल गठिया रही ना, पता चला छोड़ी है। तो गाइस बने रहो वीडियो में और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जी साड़ी आपको पसंद आ रही है ये बेटा, ये साड़ी अच्छी लग रही है, हाँ यार लग तो अच्छा रहा है। कितने की है? 4000 की। अरे राम रे, 2870 की पड़ेगी। इसका यही लोचा रहता है, जो इसको अच्छा लग जाता है वो महंगा हो जाता है। तुम कुछ और पसंद कर लो, जालीदार वगैरह। ये देखिए ब्लैक आसमानी है ना मैडम, ब्लैक लेके आई है जालीदार, 1620 की पड़ेगी। ये भी अच्छा लग रहा है। और कुछ दिखाओ ब्लैक में, ऐसा कुछ ब्लैक में ना पहन ले ही फिर हमें दे देंगी। कौन मम्मी? तार मम्मी पहन तो है दे देंगी। हां दुई दाई पहन ले पूजा उजा में दुल्हन बन के, फिर हमें दे देंगी, हमारा सब पूरा हो जाए। सही है। तो अभी गाइस मम्मी के लिए सोच रही है रोली साड़ी लेने के लिए, और बोल रही है मम्मी ले ले और पहने 2-3 बार, उसके बाद मुझे भी दे देना, बहुत प्यारी है, उसके भी शौक पूरी हो जाएगी। बूढ़ा हमार गोर है, दोनों करे ऊपर जंबो करे। का कहा था वो? बूढ़ा हमार गोर है ना। अच्छा, करे ऊपर जंबो, आपकी सास बहुत अच्छी है। का कहा था वो? बहुत सुंदर है मम्मी, हमार वीडियो देखे देखे तो कवन बुराई कहा था, इन बड़ी सुंदर है इनकर सास, मार कर रही लागत है। बाप रे, 2870 की पड़ेगी ना, 4000 की है, मतलब उसको लेना है क्या आपको? तो आप खड़े हो तो सोचना है क्या किसी? अरे भाई जेब हम गाइस 1 रुपया ना देख ले, कहता ही ना आप खड़े हो तो क्या सोचना है, ले लो अच्छा जो लेना है। इसका क्या बोले? ले लो जो लेना है। तीन साड़ी पसंद, तीन साड़ी ना रहे ले, एक बार रहे दे, मतलब ले लो कह दिए तो लेना है तो तीन साड़ी ले लो। अच्छा मम्मी वाले पैसे तू दे, हम दिवा दे। तो गाइस ये वाली साड़ी उसको पसंद आ गई जो कि 4000 की है, पता नहीं मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। 4000 लायक है? 4000 लायक है तो देखो गाइस ये साड़ी
क्या कौन सा साड़ी, बनारसी है कि क्या है, कैसा है? बनारसी सिल्क। मस्त लग रहा है साड़ी। क्या बात है, चले मतलब पहले बूढ़क पहनेबू तब तू पहनबू। वाह क्या सोच है रे तेरी। अच्छा है ना, पहले सास तब फिर बहू। हाँ हाँ सही बात। ब्लाउज भी अच्छा है, जब तक जवान है तब तक पहन ले। बुड्ढा उड्ढा जिनके है माई कमरे, माई बेचारी दांत लगवाते माई दांत तब लगवाए जब टेंशन ले, गेहूं कटाई जाए। तो गाइस बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लग रहा है, कमेंट करो पता हो कैसा लग रहा है। या अच्छी लग रही, कमेंट करेंगे पप्पा अपने आईडी से करते हैं कमेंट। हाँ अच्छी लग रही है ना। हाँ ये कैसा, उसके पीछे कैसा निकला हुआ है सर, क्या ये सब कैसा आ रहा है? अरे ये उल्टे में काम किया गया है ना। अच्छा। लेकिन हमको तो सीधे से मतलब है ना। अच्छा ये चीज देखो क्या साड़ी है, ये भी साड़ी अच्छी लग रही है, ये भी 4000 की है ना। ये मैं ले रही हूँ। अभी क्या बोल रही थी तुम, तेरा बोलो ये मतलब रख दे ब्याह करब तब पहने। मतलब लेके रख दोगी अभी से ही। लेकिन तुम ब्लाउज दिखाओ, गंदा बहुत कर दोगे यार तुम। नहीं गंदा क्यों करूंगी, वाह इसका कढ़ाई भी अच्छा है, ब्लाउज भी अच्छा। ये दे दो, गृह प्रवेश में पहन लूंगी। अरे ले था यार, चूना लगा के बताई। हे मैडम जी रह दे तू, एक कख दिखाए कि हम लटकाए हो। ये भी तो मस्त है, इस ये तो उससे सस्ती, ये तो 3800 की ही है। मैडम रह दे तू दिखावा के, फटका लगावा था उखा दे। सही कहता लड़कों का ही ठीक रहता है यार, लड़कियों का तो लोचा ही रहता है। 4000 साड़ी पहनी, 10000 सूट पहनी और हम सब 500 सेटे में खुश रहे थे। तो गाइस फाइनली बजट बन गया है और ये देखिए यहाँ पे 3-3 साड़ी। मैडम जी तो हैं कहते रहे जिन दिखावा या 3 साड़ी भाई साहब। अच्छा यार सुने और जिन सोचे अब चल बड़की आओ, एक खबर सोचत रहे यार एकदम 1, 2, 3 देखो 4000 वाली दुई ठोई गई। एक के कितने को मैडम, 3100 4×2 = 8, 3 = 11000 ने। हे भैया आदि आवे, अरे चला आवे, अरे 11000 साड़ी खरीद ली है। दादा मत देखो यार तुम, यार गजब हो, इतना तुम्हार महीने का पेमेंट ना है आवे। अरे देख लो भाई, अरे बड़ी सस्ती रे बक पगलान भैया ही। छोड़ो चलो, गाइस यार देख लिए आप लोग, यही होता है मॉल में जाने में। देखा था भैया एक महीने खर्ची चले तुम्हारे धंधे में साड़ी हुई। हे दादा और वो उसका कुछ बोल रहे थे आप ना, जो गिफ्ट कार्ड था। तो गाइज हमारे पास लगभग 1 साल हो गए, एक गिफ्ट कार्ड बनवाया था हम लोगों ने वी मार्ट से। एक भैया बहुत जिद पे पड़ गए कि बनवा लो, तो हम लोग बनवा लिए थे और वो यूज़ नहीं किए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें जैसे VIP लगता है ना वी मार्ट में, तो हम लोग को वो ये बताया गया कि अगर आप किराना का सामान लेते हो तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और वैसे कपड़े पर मिलता है 15-20% का डिस्काउंट। तो हम लोग सोच रहे हैं ये थोड़ा सा रिडीम करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख रही है चावल है, क्या चीनी है, कितना के जी? जैसे हमेशा काम वाला चीज ले ले रही हूँ। ले लो, जो लिखा है वही है क्या? कितने का है? 231 है और 20% उसमें भी हो जाएगा। 231 मतलब 5 किलो 4×5=20 तो कैसे 231 220 है। तो अभी हम लोग की जो शॉपिंग चल रही है वो थोड़ा सा घरेलू सामान का चल रहा है और पापा ने बोला था एक लोंचा लाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया ये, क्योंकि पैकेज में ये तो 2 लेना पड़ा। मैंगो वाला घर लेके चला जाऊँगा और एक जो मिक्स पिकल है वो हम लोग यहाँ रोली के यहाँ पे यूज़ करेंगे। और रोली ने भी कुछ अपने हाथ में ले लिया है, पता नहीं क्या क्या ली है वो, गर्म मसाला वगैरह कुछ घर के लिए। ये देखिए चाय पत्ती, डिटर्जेंट उस साइड मिलेगा, इस साइड सब बिस्किट है। चलो अभी डिटर्जेंट भी लेना। और यहाँ पे गाइस कुछ सब्सक्राइबर मिल गए जो कि फोटो खिंचाना चाह रहे हैं रोली के साथ। फाइनली हम लोग अभी घर पहुंच गए और थोड़ा सा मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि थक गया बाइक वाइक चला के आया और सामान भी हो गया था। और हम लोग को ना वहाँ पे गिफ्ट भी मिल गया, जैसे कि डिनर सेट मिल गया, तो वो भी लाना पड़ा।
और जो साड़ी वगैरह खरीदी थी वो भी, और जो भी शॉपिंग हुआ था वो सब लाने में दिक्कत हो गई थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग स्कूटी से ही थे। और अब फिलहाल व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।